गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द डायमीटर ऑफ द मून इज एप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? डायमीटर ऑफ मून का इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। लिख लेंगे क्वेश्चन को। तो डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ क्या अर्थ, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप डायमीटर या रेडियस तो क्या करेंगे, ये दिया हुआ है, रेडियस मान लेते हैं। अर्थ का रेडियस क्या है? कैपिटल आर। लेट रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो क्या हो जाएगा? डायमीटर ऑफ मून क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू डायमीटर, तो क्या हो जाएगा? 2r। डायमीटर का मतलब क्या हो जाएगा? 2r। क्योंकि मून का डायमीटर है, मून का डायमीटर तो क्या हो जाएगा? 2 r हो जाएगा। समझ में आया? तो r इसमें क्या हो जाएगा? ये r by 2, ये भी नीचे आ जाएगा, तो ये भी नीचे आ जाएगा, तो मतलब ये कितना हो जाएगा? r by 4। ये आप देखिए, मून का रेडियस निकाल दिया। क्या निकाल दिया? मून का रेडियस। और ये मून का रेडियस निकाल दिया, लेट तो क्या था r, बट r को हम कैपिटल आर का स्पेक्ट में, यानी कि अर्थ के रेडियस के स्पेक्ट में हमने स्मॉल आर की वैल्यू निकाल दी। अब निकाल रहे हैं रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो इस पे मून और आपका क्या अर्थ दोनों का शेप कैसा होगा? स्फीयर का शेप होगा। कैसा होगा? स्फीयर का शेप होगा। तो रेशियो इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ किसका किसका कह रहे हो? पहले किसका है? मून। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो सबसे पहले क्या है? मून है, सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। इन्हीं का रेशियो निकाल रहा है, ए आर टी एच। तो ये क्या हो जाएगा? 4 r² और ये क्या हो जाएगा? 4 r² मून का स्मॉल आर है और अर्थ का क्या है? कैपिटल आर है। तो क्या हो जाएगा? 4 r² का कैंसिल बचेगा r² / r². अब r² जो स्मॉल आर है उसकी वैल्यू आपको निकाला है कितनी? r/4। कितनी है? r/4। तो यहां पर हम कर दे r/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r² हो जाएगा। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ मून इज टू सरफेस एरिया ऑफ अर्थ थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हेमिस्फीयर का बाउल है। बाउल है उसका शेप कैसा है? हेमिस्फीयर। देखो ये बाउल है आपका, ऐसा होगा बाउल है ना,
ठीक है, हेमी स्फेरिकल है, इसकी जो स्टील की मोटाई है वो कितनी है, 0.25 सेंटीमीटर, ये है स्टील की मोटाई। द इनर रेडियस ऑफ बाउल इज 5 सेंटीमीटर, जो इनर रेडियस है, इनर रेडियस यहां से लेके यहां तक वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है, यानी ये जो इनर रेडियस है कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहे हैं फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, बाहर वाला जो कर्व सरफेस एरिया है बाउल का वो निकालना, अंदर का नहीं बाहर वाला, तो जो बाहर का निकालेंगे उसमें मेटल का भी जो थिकनेस है वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ध्यान दे सके, यहां से लेकर यहां तक 5 सेंटीमीटर, ये इनर रेडियस है, ये यहां जो आएगा ये क्या होगा, इनर रेडियस होगा, और ये यहां से ये हमारा आउटर रेडियस होगा। तो जब रेडियस की बात करेंगे, आउटर सरफेस निकालेंगे, तो ये यहां से लेके ये पूरा हो जाएगा, समझ में आया क्या? क्वेश्चन नंबर 1, तो हमारा इनर रेडियस इज इक्वल टू, इनर रेडियस इज इक्वल टू कितना है, 5 सेंटीमीटर, थिकनेस ऑफ स्टील स्टील इज इक्वल टू कितना है, 0.25 सेंटीमीटर, देयरफॉर आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, आउटर रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 प्लस 0.25 दैट इज इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर, ये आउटर रेडियस हो गया। बस देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया आउटर कर्व सरफेस एरिया, देयरफॉर आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल इज इक्वल टू क्या होगा, 2πr² कर्व सरफेस एरिया है, हेमीस्फीयर है, बाउल है, बाउल होगा तो कैसा होगा, हेमीस्फीयर होगा, ये हो जाएगा हमारा 2πr की वैल्यू आप अपने हिसाब से क्या 22/7 या 3.14 रख सकते हैं, 3.14 कर लेते हैं, आपको मल्टीप्लाई करना है 3.14 इनटू आर की वैल्यू है 5.25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब इसको आपको सिंपलीफाई कर देना है, वही इसका आंसर आ जाएगा। रेडियस में आपको फाइंड आउट करना था आउटर रेडियस, समझ में आया क्या, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 जो स्फीयर है सिलेंडर के बॉटम और बेस को फेसेस से उनको टच कर रहा है, बॉटम और टॉप फेसेस है उनको क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ये हमारा सिलेंडर, ठीक है, ये हो जाएगा इसका बेस, ये हो जाएगा इसका बॉटम। अब इसी में क्या रखा गया है, स्फीयर रखा गया है, ऐसा रखा गया है इसके बेस को भी टच कर रहा है, इसको 3D फिगर है, थोड़ा सा ये चीज समझना है, 3D फिगर का आपको समझना है कि इसके बेस को भी टच कर रहा है और टॉप को भी टच कर रहा है। स्फीयर के अंदर, सॉरी सिलेंडर के अंदर स्फीयर जो है ऐसे है, इसके टॉप को भी टच कर रहा है और बेस को भी टच कर रहा है, यानी कि इसमें स्प्लिट हो गया है, इसका रेडियस दिया हुआ है, स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है, स्फीयर का जो रेडियस है ये कितना है, आर है, स्फीयर का रेडियस क्या है, आर है, समझ में आया कि मैं फिगर बना दे रहा कि आपको कोई भी डाउट ना हो, समझ में आया। तो फर्स्ट पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 9, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है, स्मॉल आर, ये चीज थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको, अगर स्फीयर का रेडियस आर है
सिलेंडर जो है उसका रेडियस कितना होगा? सिलेंडर का बेस तो यही है ना, ये वाला, तो इसका बेस का रेडियस क्या होगा, ये भी कितना होगा? आर ही होगा रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये कितना होगा? आर ही होगा। समझ में आया क्या? और एक चीज और, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा? हाइट ऑफ सिलेंडर या लेंथ ऑफ सिलेंडर क्या होगा? सिलेंडर की हाइट क्या होती है? यहां से लेके यहां तक, यही तो हाइट होती है, ये तो हाइट है, तो कितना होगा जरा देखें, ये जो हाइट होगी जो हमारा स्फीयर है उसका क्या हो जाएगा? डायमीटर, क्या हो जाएगा? डायमीटर आर प्लस आर इक्वल टू टू आर। समझ में आया क्या? ये चीज आपको समझना है बस। अब आप तीन जो पार्ट है, तीनों पार्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वेरी सिंपल, जो फॉर्मूला लिखते हैं कि ये सारा दिया हुआ है, क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? सिलेंडर क्या हो जाएगा बताओ? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, बट एच की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2 आर। सिलेंडर का जो एच है कितना है? 2 आर है, 2 पाई आर ब्रैकेट 2 आर, और ये कितना हो जाएगा आपका? 2 पाई सॉरी 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 2 टू जा 4 पाई आर इंटू आर स्क्वायर। क्लियर है? रेशियो ऑफ देयर एरिया, हां रेशियो निकालना है इसका, रेशियो इज इक्वल टू एरियाज ऑब्टेन इन फर्स्ट, एरियाज फर्स्ट और एरियाज सेकंड, ये फर्स्ट का और सेकंड का, तो एरिया फर्स्ट कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर, और एरिया सेकंड कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू 1 बाय 1, दैट इज टू 1 इज टू 1। समझ में आया? तो ये हो जाएगा हमारा एक्सरसाइज फिनिश। क्वेश्चन लास्ट था ये, तो एक्सरसाइज 13.4 फिनिश हो गया। फिर आप आगे की क्लास में एक्सरसाइज 13.5 स्टार्ट करेंगे, जिसमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब यानी कि अब सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया फिनिश हो गया, अब वॉल्यूम स्टार्ट हो रहा है, और मिक्स क्वेश्चन रहेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।